प्राइवेट नंबर से मैसेज आया है। क्या हुआ रूही, क्या हुआ तुम्हें? डरी हुई क्यों? क्या क्या हुआ बोलो ना। वो ब्लैकमेल। क्या हुआ? कहाँ सो गए? अरे इतनी तेज आवाज आई थी, क्या हुआ? कुछ टूट गया है क्या? हाँ, वो ग्लास रूही से गलती से गिर गया है। नीलू को बुला के साफ करवा दो ना, और पानी प्लीज पापा जी को तुम दे देना। हम रमन, ये रूही को। हाँ मैं देखता हूँ, शायद चोट लगी होगी। रूही आओ। हाँ मैं सर। बताओ क्या हुआ? हाँ सब पता है, तुम्हारी सीमा ने मुझे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों हैं तुम्हारे साथ। पापा है ना, तुम जानती हो ना, पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कोई कोई और बात भी तुम्हें परेशान कर रही है। रूही बोलो क्या बात है बेटा? रूही क्या क्या हुआ बेटा? देखा मैंने तुम्हारे दादाजी का क्या हाल किया, सोचो मैं और क्या कर सकता हूँ। ऐसे लोग मुझसे मिलने आओ, वो भी अकेले। कौन है ये आदमी? हमारी बेटी को क्यों परेशान कर रहा है? प्रॉब्लम क्या है इसकी? कम यार भाई, सामने आ जाना तो गर्दन तोड़ दूँ। लेकिन बहुत शातिर हम, मैं सोच समझ कदम उठाने मिले। मेरी वजह से हो रहा है। तुम ब्लेम नहीं, यू ट्रस्ट मी राइट? तुम पापा पे ट्रस्ट करती हो? बस तुम्हें सबसे पहले साइबर से जा रहा हूँ। इस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी, बिकॉज पता नहीं क्या करेगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पापा सब ठीक कर देंगे, वो अब हमारे साथ है ना। हम है ना साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। यार फोन क्यों नहीं आया आलिया का अभी तक? ये क्या हो गया है? पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, फोन या मैसेज तो कर ही देती थी। पर ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक्चुअली मुझे उसे फोन करना चाहिए था, लेकिन धातु को चोट लग गई। अभी फोन कर लेता हूँ उसको। इतने घंटों बाद अब फुर्सत मिली कॉल करने की, कोई बात नहीं। आई एम नॉट गोना टॉक टू हिम नाउ। यार फोन तो उठा लो यार। वो मूर्खन, इसे हो क्या गया? जब इसके साथ होती हूँ तब केयर नहीं करता, और जब नहीं हूँ तो देखो बार बार फोन कर रहा है। क्यों ना इसको फोन उठा के बोल ही दूं कि प्लीज मुझे बॉदर मत करो, इरिटेट कर रहे हो तो मुझे। हेलो हेलो आलिया, तुम ठीक तो हो ना? और तुम पहुंच गई थी ठीक ठाक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? यार मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, एक बार कॉल तो उठा लो ना। तुमने कोई कॉल किया ना मैसेज किया? आते हैं, टेल मी समथिंग न्यू। ऐसा तो तुम हर बार करते हो, कुछ नया बताओ ना। आलिया आई नो मुझे वैसे भी नहीं करना चाहिए था, पर लिसन, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ओके बाय।
काम करती हूँ फोन ऑफ कर देती हूँ। फोन स्विच ऑफ कर दिया यार, एक बार बात तो सुन लेती, ये क्या नॉनसेंस है। मैं लैंडलाइन पे कॉल कर लेता हूँ। फोन ऑफ कर दिया तो लैंडलाइन पे कॉल कर रहा है, इट्स ओके, करते रहो, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। बचने दो फोन, मैं जा रही हूँ राधिका के घर। हेलो आलिया, लिसन, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना यार, एक बार मेरी बात तो सुन लो अच्छे से। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, सीधा फोन काट रही हो और हमेशा लड़ती क्यों रहती हो। लिसन आलिया, मैं हूँ इडियट। अच्छा प्लीज, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, एक बार मेरी बात सुन लो। क्योंकि तो आलिया और तुम्हारा फिर से झगड़ा हुआ है। क्यों मैं ना, तुम लोग लड़कियों को ऐसे क्यों ट्रीट करते हो? बस लड़कियों का दिल दुखाना आता है, औरतों को हर्ट करना आता है। आदि तुम भी ना। शगुन मम्मा, अब आलिया ने जाके सब कुछ शगुन मम्मा को बता दिया। स्कूल में है क्या, छोटी बच्ची है क्या, कुछ भी यार, इसको हैंडल करना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं क्या करती है क्या नहीं यार, बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं मनाने वाला इसको।